यार सब लड़कियों को क्या प्रॉब्लम है तुमसे? मैंने कहा मुझे नहीं पता, एंड ये हमेशा बचपन से रहा है वेयर यू नो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपनी स्कूल फ्रेंड्स के साथ, लड़कियों के साथ दोस्ती करूँ, बट पता नहीं कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उनको नहीं अच्छी लगती। Why is everybody talking about that? तो मुझे बता भी दो कि क्या लग रहा था वो, मतलब इनसिक्योरिटी एज इन मतलब हम दोनों की तरफ से। तो ही इज अ मैरिड मैन, तो मेरी और उसकी दोस्ती जो थी वो अच्छी थी एंड डे वन से थी। इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने और कुछ बहुत ब्यूटिफुल मेमोरीज लेके आई हूँ साथ। मुझे लगा मैं यू नो फिनाले तक जाऊँगी, बट ठीक है, 12th वीक तक भी पहुँची हूँ। इट्स अ बिग थिंग एंड 3 months इन द हाउस, इट्स अ बिग थिंग। This today in the morning where she was saying क्या है रोमल जसलीन के पास जाता रहता है बार बार, एंड देन शी वॉज ऑल्सो अब्यूजिंग। तो मुझे वो चीज़ समझ नहीं आई क्योंकि रोमल और मेरी, एंड ऑल्सो ही इज अ मैरिड मैन, तो मेरी और उसकी दोस्ती जो थी वो अच्छी थी एंड डे वन से थी। यू नो जब हम साथ में आए थे, जोड़ीज बन के आए थे, जब मैं अनूप जी के साथ गई एंड ही वॉज विथ निर्मल जी, तो मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आई कि ये क्यों उसको इनसिक्योर फील कर रही थी वो। एंड यू नो उसने एक स्टेटमेंट भी वहाँ पे रखा कि जसलीन शिव चला गया है तो अब एक सहारा ढूंढ रही है। तो ये मुझे बहुत चीप लगा ये सुनने में कि एक सहारा ढूंढ रही है, मतलब क्या जसलीन इतने टाइम से अकेली नहीं थी घर में, अकेली थी, किसी टीम के साथ नहीं खेली है, और इस तरह की बात जब आती है तो इट रियली यू नो थोड़ा दुख होता है ये सब बातें सुन के। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी और मेरे डैड से भी बात की, तो मेरे एक बहुत स्टूपिड से प्रैंक ने ये चीज़ ख़राब की है। जहाँ हम स्टेज पे थे, अनूप जी ने कहा मैं अपनी शिष्या को बुला रहा हूँ, और मैं आई और मुझे उस वक्त लगा कि एक ऐसे मस्ती करते हैं जाके स्टेज पे और थोड़ा सा फन एलिमेंट डाल देते हैं, एंड आई सेड अनूप जी और मैं 3 साल से साथ में हैं और यू नो थिंग्स लाइक दैट। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि अनूप जी उस बात को मजाक में लेंगे और उस चीज़ को वहाँ ख़त्म कर देंगे। उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया, वो ही वॉज प्रॉबेबली स्टंड, एंड वी हैड टू एंटर द हाउस। सलमान सर ने कहा चलो अभी घर के अंदर जाना है, और हम अंदर गए और वो प्रैंक वैसा का वैसा ही रह गया, वो क्लियर नहीं हो पाया। तो उसी के साथ आई थिंक अनूप जी वॉज ऑल्सो प्लेइंग अलॉन्ग, घर के अंदर मस्ती मजाक कर रहे हैं, क्योंकि हम जोड़ी विचित्र बन के गए, शिष्य और गुरुजी जैसे होते हैं, एंड ऑफकोर्स जब आप कपल में होते हो तो फिर आपके यू नो गेम जो है वो साथ में खेलनी थी वहाँ पर। तो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो गई, एंड कल रात को मुझे पता लगा कि वो चीज़ थोड़ी सी एम्बेरसिंग हो गई होगी उनके लिए, एंड ऑफकोर्स फॉर माई पेरेंट्स इज वेल। श्री, दीपिका, मेघा, ये तीनों मेरे दिल के बहुत करीब हैं। ये एक गाना मैं गाना चाहती हूँ फॉर माई फ्रेंड्स इन दी हाउस, क्योंकि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ। और एक वो वुल्फ पैक की एक जगह थी जहाँ हम वो डोर के पास बैठते थे, मेन डोर के पास। तो ये आई वुड लाइक टू डेडिकेट दिस सॉन्ग टू देम। न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ अचानक ये मन, किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी याद छोटी छोटी सी बात, न जाने क्यों। आई मिस यू गाइज़।